श्रोमणी कमेटी ते कागज बादल के कहिंदे ने जे बादल के ना रह के गुरुद्वारे नहीं रहणगे। दसो कि पहला बादल के जमे ही के गुरु घर पहला आए सी। इथों ये दसदे ने जी आ प्रधान इन्हां दी लाई होई जिहड़ी अपनी ओह धी दा कतल भी कर गई, अपनी औलाद की नहीं बनी, वह किसी की की हो सकती। गुरु पंथ की कितों बनना है? उतना किसी धी भैन ने भरवटे मुन्ने होनू पंथ के तनखाई आखते ने एक ये होन तो इन्हों प्रधानगियां नहीं दे सकते। और साढ़े वाले भी आ जिन्हें इतने को जथेदार बने फिरते, को बाबे बने फिरते हैं, वो संप्रदावा चलाते हैं, ये भी पतत तो पतत आखते ने, पर प्रधान पतत बन जाए तो उन्हों होर कुछ आखते। इन्हों जमीर इन्होंने को नहीं, गुरु ग्रंथ साहब चोरी वेच के खा गए हूँ थोड़े कुछ नहीं जे लग रहे। तो जे अजे भी तुम उन्होंने पुजारी जी, सिंह साहब जी, ज्ञानी जी कहना बल्कि थोड़ी है, असी तो गुरु हरगोबिंद साहब के चरणों के भौरे बन के गुरु हरकृष्ण साहब के नक्शे कदम चलांगे। नहे मलेश को दर्शन दहे, नहे मलेश के दर्शन दहे, सिख रहत मर्यादा अनुसार तिलक लाने, चुनिया पाउनिया, बुतां की पूजा करनी, मूर्तियां पूजनियां, ये मनाई है। तो बाकी जिन्हों का धर्म है उन्होंने मुबारकबाद। तो जेडे लोग ये गल्लां करते हो उन्होंने असी अपने आगू बनाई करिए, ये कोई दनाई वाली कहानी है। इसलिए तुहानू सारिआं नू बेनती करदे, गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर का हिस्सा बनियो, सिख नीति लियाइए, आ गुरुद्वारिआं विच्चों बादलकियां दी राजनीति कढ़ीए, ता जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का अदब सत्कार बहाल होवे। श्रोमणी कमेटी ते कागज बादल के कहिंदे ने जे बादल के ना रह के गुरुद्वारे नहीं रहणगे। दसो कि पहला बादल के जमे ही के गुरु घर पहला आए सी। इथों ये दसदे ने जी आ प्रधान इन्हां दी लाई होई जिहड़ी अपनी ओह धी दा कतल भी कर गई, अपनी औलाद की नहीं बनी, वह किसी की की हो सकती। गुरु पंथ की कितों बनना है? उतना किसी धी भैन ने भरवटे मुन्ने होनू पंथ के तनखाई आखते ने एक ये होन तो इन्हों प्रधानगियां नहीं दे सकते। और साढ़े वाले भी आ जिन्हें इतने को जथेदार बने फिरते, को बाबे बने फिरते हैं, वो संप्रदावा चलाते हैं, ये भी पतत तो पतत आखते ने, पर प्रधान पतत बन जाए तो उन्हों होर कुछ आखते। इन्हों जमीर इन्होंने को नहीं, गुरु ग्रंथ साहब चोरी वेच के खा गए हूँ थोड़े कुछ नहीं जे लग रहे। तो जे अजे भी तुम उन्होंने पुजारी जी, सिंह साहब जी, ज्ञानी जी कहना वर्गी थोड़ी है, असी तो गुरु हरगोबिंद साहब के चरणों के भौरे बन के गुरु हरकृष्ण साहब के नक्शे कदम चलांगे। नहे मलेश को दर्शन दहे, नहे मलेश के दर्शन दहे, सिख रहत मर्यादा अनुसार तिलक लाने, चुनिया पाउनिया, बुतां की पूजा करनी, मूर्तियां पूजनियां, ये मनाई है। तो बाकी जिन्हों का धर्म है उन्होंने मुबारकबाद। तो जेडे लोग ये गल्लां करते हो उन्होंने असी अपने आगू बनाई करिए, ये तो कोई दनाई वाली कहानी है। इसलिए तुहानू सारिआं नू बेनती करदे, गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर का हिस्सा बनियो, सिख नीति लियाइए, आ गुरुद्वारिआं विच्चों बादलकियां दी राजनीति कढ़ीए, ता जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का अदब सत्कार बहाल होवे।